नमस्कार, आज थाना प्रेमनगर के अंतर्गत हसारी के अंदर हरजन कॉलोनी के अंदर जो देख सकते हो मारपीट का मामला सामने आया। दो पक्षों में वाद विवाद हुआ था जो कि दिन का समय था। दूसरी पार्टी ने इतना बुरी तरह घायल कर दिया, उन्हें देखो तू पट्टी मट्टी बांधे, तीन चार दिन आज भर्ती हैं। अब बताया जा रहा है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही। आखिरकार बात क्या है कि जब लड़ाई झगड़ा हो तो भाई साहब दो ही पार्टी ने मुकदमे लिखो जाता, अब मालूम चल रहा कि नहीं कि ऊपर मुकदमा लग रहा। अब देखो बताया आखिरकार मुकदमा कैसे लिखो, तब जब कहाँ है तो वहाँ खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो सर। रवि कुमार नाम है हमारा, रवि नाम है, कहाँ रहता अपन? हसारी हरिजन कॉलोनी में। हरिजन कॉलोनी में जी सर। तब की घटना है या कैसे? सर 16 तारीख की 8:30 बजे की बात है सर। हमारे घर पे कोई था नहीं, मैडम अकेली थी, तो मैं आटा लेने जा रहा था। तो आटा लेने जा रहा था तो रास्ते में दो लड़के ने छेका मुझे, वो अपने आंगन में खड़े थे। वहाँ से 4-5 लड़के और लेडीज आई, मेरे पहले मेरी पत्नी को मारा, फिर आगे मुझे पत्नी को घर पे घुस के मारा, फिर मुझे वहीं आगे मुझे मारा, खसोर के ले गए, मोबाइल और मंगलसूत्र भी छीन ले गए हमारा, और इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। देखो आते दूसरी पक्ष वाले तुम्हारे पड़ोसी आते, सर पड़ोसी थे सर, प्रदीप कुमार नाम है उनका, प्रदीप बाल्मी, पत्नी का नाम पिंकी है, और जो साथ में थे वो शिवम नाम का लड़का था, ये मीना से थे कुछ लोग, और एक तुलना नाम की लड़की जो कि गतिया ब्याई है। वो चौकी थाने में कहाँ नहीं गया, थाना प्रेमनगर जाते सर? प्रेमनगर गए थे थाने में, चौकी गए थे तो वहाँ कोई मिला नहीं था, होमगार्ड वाला था, वो कह रहे थे बात करके, उन्हें रफा दफा करके बोले तुम एक काम करो प्रेमनगर चले जाओ, पुलिस वाले आए थे घर पर दूध घाट के चले गए। हमने सुनी तमाम बोल तो मुकदमे लगता, सही बात है सभी सही होगी बात, जब बता रहे हैं लोग बाग, हम तो गए नहीं, हम तो सब जी यही भर्ती हैं जब से। अब कहाँ चाह रहे हैं आप सर जी? उन पर कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की जाए हाँ। और प्रेमनगर थाना गए सर जी, तब भी 20-25 आदमियों ने और लेडीजों ने कहा है उनसे कि इनकी कार्रवाई की जाए, तो उन्होंने कार्रवाई तो कुछ की नहीं सर, और एप्लीकेशन लेने गए हमारे भैया को, तो एप्लीकेशन भी नहीं मिली, और रिपोर्ट भी गया वो भी तो डस्टबिन में रिपोर्ट पाए हमारे भैया। हाँ जी, काना हो तो तुम अति मौका पे, तो पति के क्रम कैसे हो? हम लोग अंदर आते और गेट अंदर से बंद थे, और वे दीवार कूद के आई, हमने जो नहीं देखा कि हमारा पति तो आ रहे टूट रहा है, ये कोई तो हमें पता नहीं है, तो हमें अंदर घुस के मारा, तब हमें आवाज़ आई कि हमारा आदमी को मार रहे हैं, तब हम अंदर आते, उसने दीवार कूद के 4 लोग पहले कूदे, फिर 2 लोग बाद में कूदे और हमें मारपीट करने लगे, हमारे बच्चे के बाल और हाथ खींच के टांग लिया, और फिर हमें बाद में इसने कुंडी को ली, तब जो भाग गए। हमने सुनी तो मंगलसूत्र भी चलो बता रहे, सही घटना है? हाँ घटना, मोबाइल इनका छीना, मोबाइल से फोन लगा रहे थे पुलिस को, तो मोबाइल छीन लिया और अंदर घुस के देखो यहाँ पे चक्कू मारा, और यहाँ पे चक्कू मारे हैं और मंगलसूत्र खींच के लिया। अब आप क्या चाह रही हैं? हम जो चाह रहे हैं उनका कार्रवाई की जाए। रोड है घाल रहे थे, मार रहे थे, हाथ पैर दोनों से मुझे, हमारे यहाँ पे चक्कू लगा, पत्नी को भी चक्कू लगा है, लोहे की रॉड से हमला किया है, और तमंचे की बटमारी जो यहाँ जख्म है। देखो आपको अवगत कराने पूरी घटना जाए, 16 तारीख की बात है, दोपहर का समय है, तो हरजन कॉलोनी हसारी थाना प्रेमनगर के अंतर्गत रहते बच्चा, दो ही आमने सामने पड़ोसी हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आपस में हुआ, महिला में लड़ाई हुआ, जब लड़ाई ऐसे बिगड़ गई फिर आगे बढ़कर फिर आदमी में हुल लगी, लोगों में हुल लगी तो जो पड़ गया कमजोर तो उन्होंने बुला ली बबीना की पार्टी का बच्चा। देखो बबीना से फिर अन्य गुंडा तो उनके पूरे कर्म कर रहा है, इतनी मारापीटी करी जो पड़ गया अकेले बहते 7-8 जाने, क्योंकि सच्चाई जाइए, क्योंकि अब वास्तवता जाए तो कैमरा नहीं लगे तो पूरी पुष्टि नहीं हो सका, परंतु लोग सर वैसे अभी तो घर जाके मैंने बताया गवाह मिल जाएगी, आप गवाह लेना चाहते हो गवाह ले, पूरा मोहल्ला गवाह दे देगा वहाँ का। देखो बच्चा हमें प्रशासन से उम्मीद है कि नए SSP साहब झांसी के अंदर आए, इनकी मदद हो, और बाकायदा एक तरफा मुकदमा ना लिखो जाए, दो ही लोगों की सुनवाई हो और इनकी मदद हो। कैमरा मैन उनको के साथ ना, हमने उनको मारा है, हमने उनको कोशिश नहीं किया, हमें मौका नहीं मिला उनको मारने के लिए, उनने आगे सीधे दबाव हम पे डाला। कैमरा मैन निखिल के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, देव न्यूज़ झांसी।